हेलो गाइस, आई एम अरुण चोलित। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, टुडेज वीडियो इज गोना बी अबाउट HPTU कानपुर। होप यू विल बी एंजॉयिंग दिस अनबायस्ड रिव्यू। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। HBTU कानपुर, जिसका पूरा नाम है यार हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये यार एक स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी है विच इज लोकेटेड इन कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। द इंस्टीट्यूट वॉज एस्टेब्लिश इन 1921, तो यार काफी पुराना कॉलेज है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन द कंट्री। HBTU को यार पहले HBTI के नाम से जाना जाता था, दैट इज हारकोर्ट बटलर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था पहले, लेकिन 2016 के अंदर इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे दिया गया। द यूनिवर्सिटी इज इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सिटी नियर द कानपुर जू एंड लेस देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द गंगा बैरेज। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कनेक्टिविटी की, HBTU इज 16.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम कानपुर एयरपोर्ट, 80 किलोमीटर अवे फ्रॉम चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, एंड ओनली 9 किलोमीटर अवे फ्रॉम कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। द यूनिवर्सिटी इज स्प्रेड ओवर इन 271 acres, तो भाई काफी बड़ा कैंपस है यार। HBTU हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग अलुमनाई नेटवर्क, काफी बड़ी बड़ी हस्तियां इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हुई है। फिजिक्स वाला सर, जिनको आप सभी लोग जानते होंगे, वो भी भाई HBTU से ही पास आउट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोर्सेज की, HBTU offers a wide variety of undergraduate and postgraduate courses, which includes bachelors of technology, that is BTech, MCA, MBA, MSc, MTech and PhD. मेन जो कोर्स है यार HBTU के अंदर, वो यार आपका BTech कोर्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो क्राउड है यार, वो आपको BTech के अंदर मिलेगा। The institute offers 13 specializations in BTech course, which includes chemical engineering, civil engineering, information technology, electrical engineering, mechanical engineering, biochemical engineering, oil technology, leather technology, plastic technology, computer science and engineering, food technology, paint technology and electronics engineering. Chemical engineering यार HBTU कानपुर की बहुत बढ़िया है, ठीक है। It is one of the best college from which you can do your chemical इंजीनियरिंग। इसके अलावा फ्रेंड्स, पेन टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी जैसी ब्रांचेस के अंदर भी यार HBTU की प्लेसमेंट्स जो है काफी ज्यादा ठीक है। देखो यार, CSIT ऐसी ब्रांच है जो कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे, जो कि आपका ठीक ठाक लेवल पे होगा, उसके अंदर यार आपको प्लेसमेंट बढ़िया मिलेंगे। लेकिन इन ब्रांचेस के अंदर यार एडमिशन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मैं कहूंगा काफी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहूंगा। अगर यार आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको यार अपनी फील्ड पता है, अपना पैशन पता है कि आप कंप्यूटर में अच्छा कर सकते हो या आप मैकेनिकल में अच्छा कर सकते हो, देन डेफिनेटली यार आपको आपकी ब्रांच के अंदर जो भी आपको बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो, आपको वो चूज करना चाहिए। लेकिन वहीं यार, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको एट सच किसी भी फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कन्फ्यूज है कि उसे कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए, तो भाई उस केस के अंदर यार आपको ब्रांच छोड़ दो। आपको ट्राई करना है कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल रहा है एडमिशन के टाइम पे। बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चूज करना है, उसके अंदर जो भी ब्रांच आपको मिल रही है आप वो ब्रांच ले लो। जैसे कि अगर यार हम HBTU की बात करें, तो इसके अंदर यार काफी ब्रांचेस ऐसी हैं जो कि आपके कोर ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। उनके अंदर यार आपको काफी ज्यादा लो कट ऑफ पे एडमिशन मिल जाता है। अगर आपके JEE रैंक बहुत ज्यादा हाई है, तो भी यार आपके चांसेस काफी हैं कि आपको HBTU के अंदर एडमिशन मिल जाए। और उन ब्रांचेस की जो प्लेसमेंट है यार, वो काफी सही है, ठीक है। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख तक के पैकेज भाई आपको उन ब्रांचेस के अंदर भी मिले हैं, जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग है, फूड टेक्नोलॉजी है, पेंट टेक्नोलॉजी है। नाउ लेट्स कम बैक टू आर टाइमलाइन। कोर्सेज के बारे में हमने जान लिया, आप बात कर लेते हैं यार इन कोर्सेज की फीस की। तो यार बीटेक कोर्स की जो फी है यार, वो आपकी 1,35,000, और जो एलिजिबिलिटी है यार वो है 10+2 विद 75% प्लस JEE मेन। MBA की अगर यार हम बात करें, तो यार आपके फर्स्ट ईयर की फीस है 1.2 लाख रुपीज, और एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। MSc की यार आपके फर्स्ट ईयर की फीस 25,000 रुपए है, और एलिजिबिलिटी इज अगेन ग्रेजुएशन। MCA की बात करें, तो यार उसके फर्स्ट ईयर की फीस है ₹1.2 लाख, और एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएशन विद 60% प्लस IEM JEE। वहीं यार अगर हम बात करें MTech कोर्स की, तो अगेन यार उसकी फर्स्ट ईयर की फीस ₹1.2 लाख है, और एलिजिबिलिटी इज पास इन ग्रेजुएशन प्लस गेट। वहीं यार अगर हम बात करें PhD कोर्स की, तो उसकी यार फर्स्ट ईयर की फीस है ₹65,000, एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज पोस्ट ग्रेजुएशन। तो फ्रेंड्स, अब यार काफी स्टूडेंट्स का डाउट आ जाता है कि भैया HBTU में एडमिशन कैसे होगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है। तो भाई सबसे पहले यार मैं आपको सिंपल भाषा में एडमिशन प्रोसेस समझा देता हूं। वन नीड्स टू टेक द JEE मेन एग्जाम एंड सेपरेटली अप्लाई फॉर HBTU कानपुर काउंसलिंग। HBTU कानपुर काउंसलिंग कब ओपन होगी भाई? वो भाई होगी आपकी JEE मेंस के जब सारे अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद भाई आपकी HBTU कानपुर की काउंसलिंग चालू होगी। तब यार यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे यार प्रॉपर शेड्यूल आ जाएगा कि आपके कब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी, कब सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी, कब थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, ठीक है। एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन ऑल इंडिया रैंक ऑब्टेंड इन JEE मेन एग्जामिनेशन। एप्लीकेशन फी यार आपके लास्ट ईयर तक 2500 थी, इस बार हो सकता है आपके बढ़ भी जाए, और हो सकता है आपकी सेम भी रह जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको चॉइस फिलिंग करनी है बाय कीपिंग इन माइंड द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ ऑल दी ब्रांचेस। मीन्स यार अगर आप चाहते हो कि आपको CSE
के अंदर एडमिशन मिले तो आपको यार CSE ब्रांच को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है, यानी कि फर्स्ट नंबर पर रखना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि अगर आपका CSE में एडमिशन ना हो तो आपको IT मिल जाए तो आपको सेकंड नंबर पर IT को फिल करना है। इस तरीके से यार आपको प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर आपकी चॉइस फिलिंग करनी होती है। एक कैंडिडेट हु हैज बीन अलोकेटेड ए सीट इज रिक्वायर्ड टू पे द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑनलाइन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड विंडो एंड देन अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीट एक्सेप्टेंस फी यार आपकी 20,000 है फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स एंड 10,000 यार आपके SC/ST स्टूडेंट्स के लिए एंड इज टू बी डिपोजिटेड ओनली वंस। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू चूज फ्रॉम वन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑप्शंस दैट इज फ्रीज और फ्लोट ऑनलाइन एंड पे द रिक्वायर्ड फी। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं यार 2022 की कट ऑफ की। देखो यार 13 स्पेशलाइजेशन के अंदर बीटेक होती है, हर एक स्पेशलाइजेशन की यार हर एक कैटेगरी के लिए कट ऑफ बताना वीडियो के अंदर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कुछ मेन ब्रांचेस हैं यार उन ब्रांचेस की यार मैं आपको जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ फॉर बोथ स्टूडेंट हैविंग UP डोमिसाइल कोटा एंड फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम अदर स्टेट। सो फ्रेंड्स ये जो टेबल है यार ये आपके थर्ड राउंड की क्लोजिंग रैंक की टेबल है, ठीक है। थर्ड राउंड के बाद यार आपके बेसिकली एडिशनल राउंड होते हैं जिनके अंदर यार उन सीट्स के ऊपर काउंसलिंग होती है जो कि आपके थर्ड राउंड तक फिल नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ब्रांचेस है यार उनके थर्ड राउंड तक सीट्स आपकी फिल हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स अगर यार हम बात करें CSE ब्रांच की तो जो स्टूडेंट्स आपके UP स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए यार क्लोजिंग रैंक रही थी 22,664 और वहीं यार अगर हम बात करें स्टूडेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम अदर देन UP स्टेट उनके लिए यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 21,229। सिमिलरली यार अगर हम बात करें IT ब्रांच की तो उसके अंदर यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 30,272 फॉर UP स्टेट एंड 28,792 फॉर स्टूडेंट बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट देन UP। वहीं यार अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तो यार उसकी आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 50,262 एंड 34,425। सिमिलरली यार आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी UP स्टेट वालों के लिए वो रही थी यार 43,489 एंड क्लोजिंग रैंक फॉर अदर स्टेट कोटा रही थी यार आपकी 33,455। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो उसके अंदर यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 36,423 फॉर UP डोमिसाइल कोटा एंड 31,232 फॉर अदर स्टेट कोटा। वहीं यार अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो उसके अंदर यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 58,563 फॉर UP स्टेट एंड 45,156 फॉर अदर स्टेट कोटा। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की तो उसके अंदर यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 56,268 फॉर UP स्टेट स्टूडेंट्स एंड 45,899 फॉर अदर स्टेट स्टूडेंट्स। वहीं यार अगर हम बात करें फूड टेक्नोलॉजी की तो उसके अंदर यार आपके UP स्टूडेंट्स के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही थी वो रही थी 93,016 और अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए यार आपकी क्लोजिंग रैंक रही थी 63,914। लास्ट ईयर अगर हम बात करें पेंट टेक्नोलॉजी की तो उसके अंदर यार आपके UP स्टूडेंट्स के लिए क्लोजिंग रैंक रही थी 70,263 एंड स्टूडेंट्स बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट के लिए यार क्लोजिंग रैंक रही थी 64,905। सो फ्रेंड्स फी एडमिशन प्रोसेस क्लोजिंग रैंक सब कुछ हमने देख लिया है, अब आ जाते हैं यार सबसे मेन पॉइंट के ऊपर जो कि प्लेसमेंट्स। तो यार प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज ऑफर टिल डेट इज INR 60 लाख पर एनम जो कि यार आपका 2020 में ऑफर किया गया था। लास्ट ईयर के प्लेसमेंट सेट्स की अगर हम बात करें तो जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था यार वो था 43.5 लाख पर एनम, एवरेज पैकेज ऑफर वाज ₹8.7 लाख पर एनम एंड द लोएस्ट पैकेज ऑफर वाज ₹3 लाख पर एनम। सम ऑफ द टॉप रिक्रूटर्स ऑफ HBTU आर अडानी, विल्मर, कॉग्निजेंट, रिलायंस, सैमसंग, IBM, अमेजोन एंड विप्रो। इसके बाद फ्रेंड्स ये यार एक PDF है जिनके अंदर डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिटेल्स है कि वो कौन सी ब्रांच से थे और उनको कितने लाख का पैकेज ऑफर किया गया था, ठीक है। इस PDF का लिंक यार मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप चाहो तो यार वहां से डाउनलोड करके आप इस PDF को भी देख सकते हो। इससे यार आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस में यार कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज यार जॉब ऑफर कर रही हैं, ठीक है, और कितने कितने लाख का यार पैकेज ऑफर कर रही हैं। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर और बात करते हैं हॉस्टल के रिगार्डिंग। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको बताया HBTU यार आपकी काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, 271 एकड़ में फैली हुई। तो इसके अंदर यार आपके दो कैंपस हैं, ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस। ईस्ट कैंपस के अंदर यार आपके 6 हॉस्टल्स हैं, ठीक है, विच इंक्लूड्स 4 गर्ल्स हॉस्टल एंड 2 बॉयज हॉस्टल्स। वेयरएज यार जो वेस्ट कैंपस है उसके अंदर आपके 4 बॉयज हॉस्टल है। जो हॉस्टल फी है यार वो है आपके ₹21,250। मेस की जो फी है यार वो है आपके ₹36,000 पर ईयर प्लस ₹3,750 वो है यार आपके सिक्योरिटी फंड कह लो या फिर डीन स्टूडेंट वेलफेयर फी कह लो। स्टूडेंट्स गेट ऑल द बेसिक फैसिलिटीज इन द हॉस्टल लाइक बेड, चेयर, टेबल, लॉकर, फैन एंड ट्यूबलाइट। रूम्स की जो कंडीशन है भाई वो आपके डिपेंड करती है यार हॉस्टल टू हॉस्टल। PGs आर ऑल्सो अवेलेबल नियर द यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो भाई अगर आप PG या रूम वगैरह लेके रहना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइडेड इन द मेस इज अगेन एवरेज, ठीक है भाई, बेकार भी नहीं कह सकते और इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, जो कि आप हॉस्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस पॉइंट ही कह सकते हो। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। टू स्टे अप टू डेट विद माई लेटेस्ट वीडियोज एंड मोर कॉलेज रिव्यू मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस YouTube चैनल एंड इफ यू लाइक द कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, विल मीट यू सून विद ए न्यू कॉलेज रिव्यू।